आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको अपने आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है वो चेक करना नहीं आता है। स्वागत, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही साथ में क्या करना है, आपको इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है। बेल के बटन प्रेस करने से ये होगा कि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। UIDAI ने अपने पोर्टल में नया अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से ये पता लगाएंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है, आपका क्या एज है, जेंडर कौन सा स्टेट के हैं और आपके मोबाइल के लास्ट का 3 डिजिट शो कर देगा जिससे आप बहुत ही आसानी से ये पता लगा लेंगे कि ये मेरा ही नंबर है। सो गाइस, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि UIDAI ने जो अपने पोर्टल में नया अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप से बहुत ही इजी तरीके से ये पता लगाएंगे आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। इसके लिए आपको साइबर कैफे या दुकान वाले के पास जाके लंबी लंबी लाइन लगा के पैसे खर्च करके नंबर जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि घर बैठे आप अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये वीडियो देखने के बाद अच्छी तरीके से सीख जाएंगे कि कैसे UIDAI ने अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से आपका एज कितना है, मेल है फीमेल है, कौन से स्टेट का है और आपके मोबाइल के लास्ट का 3 डिजिट शो कर देगा जिससे आप बहुत ही इजी और बहुत ही आसानी से ये पता लगा लेंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा, तभी आप समझेंगे किस तरीक़े से अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है उसको कैसे पता लगाया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। UIDAI ने अपने पोर्टल में अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से और नया फंक्शन में आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, आपका क्या एज है, आपका पूरा आधार कार्ड वो शो करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको टाइपिंग कर देना है UIDAI। यहाँ पर देखिए आ चुका है UIDAI.gov.in, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने में UIDAI का ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर ओपन होकर आ जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए आधार सर्विस, इसमें एक ऑप्शन आपको मिल रहा होगा वेरीफाई एन आधार नंबर, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ ओके वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही ओके वाले पे क्लिक कर, यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं आ रहा था, बट यहाँ पे जो है UIDAI ने अपने पोर्टल में जो है अपडेट किया है तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को यहाँ से रिफ्रेश कर लेंगे और यहाँ पे अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो इसको बार बार आप इस तरीके से रिफ्रेश करते रहेंगे और जो आएगा वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद क्या करना है, प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार वाले पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए मैंने आधार नंबर डाल दिया है, ये कैप्चा मैं यहाँ पे डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड एंड वेरीफाई आधार पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपका आधार नंबर आ जाता है, आप देख रहे हैं कि जो है UIDAI ने अपने पोर्टल में जो है नया अपडेट किया है तो यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे आपको न्यू तरीके से यहाँ पे शो हो रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हैं एज बैंड कितना एज है, 20 से 30 साल के बीच में, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं मेल है फीमेल है, वो आपको यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ पे स्टेट भी शो कर देगा और यहाँ पे देख रहे हैं कि मोबाइल नंबर भी है, यहाँ पे जो है आपको शो कर देगा। तो गाइस आपने देखा कि कितने आसानी से आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से, अगर आपके आधार कार्ड में नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है तो ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छी तरीके से सीख गए होंगे किस तरीके से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से ये चेक करेंगे कि अपने आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल नंबर का जो है लास्ट 3 डिजिट का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि मेरे आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 3 डिजिट यहाँ पे शो कर रहा होगा,
तो इससे आप जो है अनुमान लगा लेंगे कि मेरे आधार कार्ड में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है। तो गाइस UIDAI ने नया अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से ये पता लगाएंगे कैसे अपने आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, वो आप बहुत ही ईजी तरीके से आप जो है पता लगा लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर नया ये जो है अपडेट किया है, तो इस तरीके से आपको शो कर देगा। सो गाइस अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से UIDAI ने नया अपडेट किया है जिससे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे बिना इधर उधर भाग दौड़ किए, बिना पैसा खर्च किए आप अपने मोबाइल फ़ोन से लैपटॉप से ये पता लगा लेंगे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट बॉक्स में जाके कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।